खरगोन जिले के शनावत शहर ही नहीं उसके आसपास के क्षेत्रों में विगत कई माह से अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है। यहाँ आलिशान होटलों में शराब परोसी जा रही है। बड़े छोटे ढाबों पर अवैध शराब बिकना आम बात हो गई है। जबकि इस ओर कार्यवाही करने वाला आबकारी अमला पुलिस विभाग अपनी पहरी नज़र के साथ समय समय पर कार्यवाही कर शराब जब्त कर रहा है। गुरुवार रात्रि 11 बजे शराब ठेकेदार के निवास पर 13 पेटी अवैध रूप से शराब मिलना जिम्मेदारों की कार्यवाही पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। खरगोन जिले के सरावत में अवैध शराब को लेकर पुलिस द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही, जिसके तहत होटल ढाबे अन्य स्थानों पर बिकने वाली अवैध शराब को लेकर कार्यवाही हुई है। बावजूद इसके गुरुवार रात करीब 11 बजे आम नागरिक की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने सनावत की होलकर कॉलोनी स्थित शराब ठेकेदार के ऑफिस में 13 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है। अधिकारी इस शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपये से ऊपर की होना बता रहे हैं। उक्त कार्यवाही राजेंद्र सोनी और आबकारी SI अजय भदौरिया के निर्देशन में की गई। इस दौरान स्थानीय नागरिक, मीडियाकर्मी और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में करीब 1.5 घंटे चले इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने शराब जब्त कर युवक को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। अब आगे कार्यवाही क्या होगी यह देखने वाली बात है। सनावत से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।